उत्तर प्रदेश का चुनावी समर हर बढ़ती तारीखों के साथ और ज्यादा भीषण होता हुआ चला जा रहा है। एक दूसरी पार्टियों में सेंधमारी की कोशिशें हर एक दल की ओर से की जा रही हैं। इन सब के बीच आज बड़ी खबर सामने आई जब आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता केंद्र में वो मंत्री रहे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। जमकर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को लेकर निशाना भी साधा। इन सब के बीच आपको बताते चले कांग्रेस पार्टी की भी तिलमिलाहट जब दिखी। आरपीएन सिंह को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उसने कह दिया कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में कुछ ऐसे मौका परस्त लोग हैं जो दूसरे दलों में जा रहे हैं। कुल मिलाकर हर बढ़ते दिन के साथ उत्तर प्रदेश का ये चुनावी रण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता हुआ चला जा रहा है। आज दिन भर क्या कुछ हुआ है, इस खबर से जुड़ी हुई हर एक जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूँ। बहुत समय से सोचा, अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। इन तस्वीरों को देखिए और मानिए कि राजनीति में न कोई गहरा दोस्त होता है न पक्का दुश्मन। जिसको जहां भी संभावनाएं मिलती हैं उसे तलाश के अपने पाले में ले आना ही तो राजनीति है। तो 32 बरस तक कांग्रेस का चोला ओढ़े रहने वाले आरपीएन सिंह अब बीजेपी वाले आरपीएन सिंह हैं। बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों और बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी का अंग वस्त्र पहनकर, बीजेपी की सदस्यता वाली पर्ची और फूलों का गुलदस्ता लेकर इस तरह से शामिल हुए आरपीएन सिंह। भारतीय जनता पार्टी तहे दिल से उत्तर प्रदेश से कई भूमिका को निभाते हुए, कई बार विधायक, लोकसभा की प्रतिनिधित्व, भारत सरकार में मंत्री की भूमिका में जिम्मेवारी निभाना तथा कांग्रेस पार्टी की विभिन्न संगठनात्मक कामों में बड़े जिम्मेवारी के साथ काम करने वाले आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। बीजेपी में शामिल होते ही आरपीएन सिंह ने कमल दल की शान में कसीदे पढ़े, पीएम मोदी को कीर्ति पुंज कहा और भरोसा दिया कि बीजेपी की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे शिरोधार्य करेंगे। 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त। तो इसे कांग्रेस के लिए जोर का झटका कहिए, कांग्रेस के लिए सिर मुड़ाते ही ओले पड़े कहिए, या कांग्रेस के लिए दोस्त दोस्त ना रहा कहिए, जो मन चाहे कहिए, क्योंकि एक दिन पहले ही कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट में आरपीएन सिंह का नाम भी था, मगर अगली ही सुबह आरपीएन सिंह ने कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खींच ली। इतने बड़े झटके की खबर तो कांग्रेस को कानों कान नहीं थी। चौंकने की बारी तो तब आई जब आरपीएन सिंह ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में पार्टी छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई, लेकिन पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल इस्तीफा दिया और देश के साथ पार्टी की इतने वर्षों तक सेवा का मौका देने के लिए आभार जताया। मगर आरपीएन सिंह का यह इस्तीफा कांग्रेस को नश्तर की तरह चुभा। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की भाषा बता रही थी कि कांग्रेस किस कदर आग बबूला हो गई थी। मेरा अपना मानना है कि ये जो लड़ाई है, जिस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और प्रियंका जी ने इसका पहले भी जिक्र किया है, ये लड़ाई बड़ी मुश्किल है और ये लड़ाई
साहस के साथ ही लड़ी जा सकती है, वीरता के साथ ही लड़ी जा सकती है, बहादुरी से ही लड़ी जा सकती है, क्योंकि यह लड़ाई आप एक दंभकारी सरकार, उनके अहंकार, उनकी एजेंसीज, पूंजीवाद, हर तरह के लांछन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए। यह सच की लड़ाई है, यह सिद्धांतों की लड़ाई है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में रहकर हमारी बिल्कुल विपरीत आइडियोलॉजी की पार्टी में जा सकता है। शायद ये काम कायर ही कर सकते हैं। इसको लड़ने के लिए, इस लड़ाई को जीतने के लिए बहुत बूता चाहिए। इस गुस्से की एक वजह झारखंड में मची खलबली भी हो सकती है। आरपीएन सिंह झारखंड के कांग्रेस प्रभारी थे और बताया जा रहा है कि कांग्रेस के विधायकों पर उनका अच्छा खासा प्रभाव है। तो डर इस बात का है कि यूपी के चुनावों के बीच कहीं झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की सत्ता न डगमगा जाए। व्यक्ति विशेष का कोई ये नहीं हो, मतलब नहीं होता, मतलब होता है पार्टी का। और पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के जितने भी विधायक है वो सच्चे सिपाही हैं, और कभी किसी को किसी तरह की बात हम समझते हैं कि ना उनका इस तरह का कभी इस तरह का प्रयास होगा, और ना हम समझते हैं कि यहाँ के विधायकों का उनके जाने से उन पर कोई फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि यूपी में कांग्रेस को यह तीसरा झटका लगा है। पहले जितेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस से किनारा किया, फिर अदिति सिंह ने कांग्रेस का हाथ छोड़ दिया, अब आरपीएन सिंह भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय खत्म कहके आगे बढ़ गए हैं। सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने युवा नेताओं को क्यों नहीं संभाल पा रही है। इसके पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, अशोक तंवर, सुष्मिता देव और प्रियंका चतुर्वेदी जैसे युवा नेताओं ने कांग्रेस से किनारा किया है। लगातार कांग्रेस के नेताओं का यूं पार्टी को छोड़ना कांग्रेस के लिए संकट का विषय हो सकता है। मगर धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो उनको और आरपीएन सिंह दोनों को वो कहते थे कि आप लोग अच्छे नेता हैं मगर गलत पार्टी में है। 2004 लोकसभा आया तब से मैं सिंधिया जी के पीछे पड़ा हुआ था। सिंधिया जी आप सही नेता गलत जगह पे हो। ऐसे ही मैं एक दो बार आरपीएन सिंह जी जब भारत सरकार में शायद नॉर्थ ब्लॉक में बैठते थे, बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। आज इसीलिए मैं बहुत दोनों को धन्यवाद देता हूँ। सिंधिया जी पहले आगे थे और आरपीएन सिंह जी जैसे व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में आना, मोदी जी की नेतृत्व को स्वीकार करना, ये एक शुभ संकेत है। इस बात पर आरपीएन सिंह ने देर आए दुरुस्त आए तो कह दिया है, मगर देखना ये होगा कि बीजेपी के लिए क्या वाकई आरपीएन सिंह दुरुस्त आए। रांची में सत्यजीत कुमार, लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली में मौसमी सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।